जिस तरफ देख लिए गुलशन में बहार आई है, दिल मगर दश्त मदीना का शहदाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर हज के काफिले बन रहे हैं, फिर हाजरीन मदीना के लिए तैयारियां हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी की तरफ से मजलिस हज उमरा की जानिब से हज तरबियती इज्तिमा का अहतमाम किया जा रहा है। 5 जून को मदनी चैनल पर बराए रास्त दोपहर 2 बजे हज के अहकाम सिखाए जाएंगे, हज का तरीका बताया जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल सीधी सीधी चादर है, इसके दोनों किनारों को आप इधर मिला लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए। यहां से थोड़ा सा इसको टाइट कीजिए, जितना आपको टाइट करना है। इन दोनों किनारों को फिर मिलाइए, यहां से फिर लाइए, और उसके बाद आप इसको बल दे दीजिए। जितने बल देने, 2 देने, 3 देने, टाइट और करना है 4 दे दें, आपका एहराम रेडी है। रात तकरीबन 9:30 बजे के बाद मदनी चैनल पर महफिल मदीना का सिलसिला होगा। मदीने के मुसाफिर को तो एक ही धुन है कि मुझे जल्द ही आका के कदमों में पहुंचना है। अब इसका सफर तस्वुरी तस्वुर में मदीने की तरफ जारी है। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा। मदनी चैनल के नाजरीन भी जबरदस्त तरीके से शिरकत कीजिए, और जो हाजी जा रहे हैं और चाहते हैं कि खुद आकर तरबियत ले सके तो कराची फैजाने मदीना में तशरीफ लाइए। दोपहर के हज तरबियत के इस्तेमाल में शिरकत कीजिए, रात महफिल मदीना में शिरकत कीजिए। जिक्र मक्का होगा, जिक्र मदीना होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सफर हरमैन की याद ताज़ा होगी। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अगर हज पर जा रहे हैं तो जरूर तरबियत लेकर जाएं, और नहीं भी जा रहे तो आइए मक्के मदीने की बातें सुनिए और अपने जौक को मजीद जिला बख्शिए। तो देखना ना भूलिए 5 जून को हज तरबियती इज्तिमा मदनी चैनल पर।